बॉलीवुड के लेजेंड्स में से एक दिलीप कुमार ने 3 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कहा था। दिलीप कुमार की पत्नी एक्ट्रेस सायरा बानो ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए एक लंबा सा नोट शेयर किया है। अपने नोट में सायरा बानो ने बताया, दिलीप साहब एक ऑल टाइम ग्रेट एक्टर थे, उनके लिए हर चीज उपलब्ध थी, फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता कि उन्हें गंभीर इंसोम्निया था। हमारी शादी से पहले दवा लेने के बाद भी वो सुबह तक जागते रहते थे। हालांकि एक बार जब हमारी शादी हो गई और एक दूसरे के बिना हमारा रहना मुश्किल हो गया, तब वो वक्त पर सोने लगे। उन्होंने मुझे एक क्यूट निकनेम भी दिया था, बड़े प्यार से ये कहते हुए कि सायरा तुम मेरी नींद की गोली हो, तुम ही मेरा तकिया हो। वो जिस प्यार से ये कहते थे उसे याद करके मैं आज तक हंस पड़ती हूँ। सायरा ने अपने नोट में आगे बताया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ वो बेस्ट फ्रेंड थे। इनके साथ ही वो अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, देश के तमाम वकीलों, अर्थशास्त्रियों और उद्यमियों के भी दोस्त थे। सायरा ने बताया कि दिलीप कुमार कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि नेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन बनने में उनकी दिलचस्पी थी। उन्होंने लिखा, वो फुटबॉल और क्रिकेट बड़े आराम से खेल लेते थे, बल्कि वो नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, बजाय उसके जो किस्मत ने उनके लिए तय किया था। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो नहीं किए हैं, तो जरूर कर लें।